बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तिब्बत नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह से ही मां गंगा स्नान शुरू हो गया। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी पहुंचे। बताया जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना, गंगा की पूजा अर्चना करना पुण्य माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी पर हुजूम उमड़ा। वहीं प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित कर अधिकारियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। हरिद्वार से नवेश तोमर की रिपोर्ट। भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, भगवान बुद्ध अवतरित हुए पावन धरा पे और उनके विचारों को आज भी दुनिया समझ रही है, सुनती है। उनके ही ज्ञान जो उन्होंने हमें दिया है उससे हम लोग फलफूल रहे हैं और आज के दिन अगर हम यहाँ स्नान करते हैं तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। तो आज बहुत खुशनसीब है, हमें यहाँ गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिला और देवभूमि में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का भी स्वागत करते हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा पे आज अच्छा यहाँ पर एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही हमारी प्रेरणादायी जो गंगा यहाँ पर आपका स्थान है इसके लिए विशेष शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें सिर्फ गंगा स्नान नहीं करना, हमें 2 विचारों पर मंथन करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में धारण करने की आवश्यकता है। प्रथम हमारा विचार हो कि गंगा में हम श्रद्धा आस्था व्यक्त करते हुए गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाएं। दूसरा, हमारे जीवन में परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति जो है एक सेवा भाव उत्पन्न हो ताकि हम सुसंस्कारित समाज की, सुसंस्कारित राष्ट्र की और सुसंस्कारित विश्व की जो है कल्पना को हम संभव बना सकें। हमारे जीवन में धार्मिक भावना, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो हमारे जीवन को बहुत ही प्रेरणा देती है। इसलिए हमारे जीवन में बुद्ध पूर्णिमा पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति और जितने भी हमारे जो जन कल्याणकारी हैं उसके प्रति सेवा भाव के लिए संकल्पित होकर आदर्शपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके और बहुत ही प्रेरणादायी जीवन बना सके। यही मेरी शुभकामनाएं और यही मंगल कामनाएं है। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है और इसका अपना प्राचीन पौराणिक काल से महात्म्य रहा है, इसलिए श्रद्धालु आज के दिन आके अपने पुण्य कमाना चाहते हैं। तो इस हेतु हमने पहले से तैयारियां कर ली थी। टोटल हम लोगों ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 7 जोन और 19 सेक्टर में बांटा है। उसके सारे के प्रभारी हमारे राजपत्रित अधिकारी है, CCR से भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। पार्किंग बनी हुई है, पंथद्वीप पार्किंग है और चमगादड़ टापू है, रोड़ी वेल वाला, इन सब जगह में वाहनों को पार्क करके सबकी इच्छा होती है कि हम जो है हर की पैड़ी में ही जाके स्नान करें। तो देख रहे होंगे आप जब मालवीय द्वीप है, हर की पैड़ी है और उससे लगे जितने भी घाट है सब में भरे हुए हैं श्रद्धालु, नहा रहे फिर उसके बाद जा रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है, इसमें ध्यान का बहुत महत्व है। आज हम अपने पूरे परिवार के साथ नहा रहे हैं, श्रद्धालु की बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, पानी भी बहुत ठंडा हो रहा है, बस बहुत मजा आ रहा है नहाने में। बस सुख समृद्धि मांगिए, घर में सुख शांति रहे, सब शांति, सब बढ़िया रहे, सबसे डे मांगे।